अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर और आज हम बनाएंगे ये क्रिसमस चेयर। ये हम बनाएंगे ऑटोडेस्क माया 2020 में। उसमें करेंगे मॉडलिंग, यूवी अनरैपिंग और इसका जो फ्लोर है वो हम बनाएंगे एक्सन को यूज़ करते हुए और रेंडरिंग करेंगे आर्नर रेंडरर के साथ। तो ट्यूटोरियल को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही डिटेल में गाइड किया है टूल्स के बारे में और फीचर्स के बारे में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे और इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। आज मैं बनाने जा रहा हूँ ये चेयर। इस पे जो सीट लगी है इसमें हम ऐड करेंगे फुर और सेम ए टू जेड ऐसे बनाएंगे। इसमें हम टेक्सचर यूज़ करेंगे वुड का, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलें शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू में आऊँगा। स्पेस बार को अगर आप प्रेस करेंगे, एक बार प्रेस करने के बाद छोड़ेंगे तो आप उस व्यू के अंदर एंटर हो जाएंगे। अगर आपका माया ऐसे काम नहीं कर रहा तो आप इधर से फोर व्यू पर क्लिक कर सकते हैं, क्वाड व्यू पर, तो आप इसके क्वाड व्यू में आ जाएंगे। इस तरह मैं फ्रंट व्यू में आकर माउस को अगर मैं फ्रंट व्यू में लेके आऊं और स्पेस बार को क्लिक करूं तो मैं उस व्यू में एंटर हो जाऊंगा। इसी तरह अब व्यू के अंदर आकर मैं अपनी इमेज को इंपोर्ट करूंगा। यहां पर आपको आइकॉन नज़र आ रहा होगा इमेज का, इमेज प्लेन, इस पर मैं क्लिक करूँगा और अपनी इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ये इमेज जो मैंने इंपोर्ट की है व्यू के अंदर, ये कुछ इस तरह की जो मैंने आपको रेफरेंस इमेज दिखाई है उसकी बैक सीट है। तो इस इमेज को हम यूज़ करते हुए इस पर पॉलीगॉन को ट्रेस करेंगे। तो मैं इस इमेज को एडजस्ट करता हूँ अपने व्यू में और इसका जो सेंटर पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको लेके आता हूँ ग्रिड की सेंटर में। तो मूव टूल को मैं सेलेक्ट करूँगा डब्ल्यू की से और फिर क्लिक करूँगा डी की या इंसर्ट की एडिट पिवट के लिए, और पिवट को मैं लेके आऊँगा इमेज के बॉटम पार्ट पर, बॉटम एज पर। और मूव टूल में आकर मैं एक्स को होल्ड करूँगा ग्रिड स्नैपिंग के लिए। आप मैन्युअली यहाँ से भी ग्रिड स्नैपिंग ऑन कर सकते हैं और इसको स्नैप करेंगे ग्रिड पॉइंट पर और इसको स्केल डाउन करेंगे। अब मैं इस इमेज को ट्रेस करता हूँ और इस इमेज से गाइड लेते हुए अपना मॉडल बनाता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं मॉडल। इसका लेआउट लेने के लिए हम मैश टूल में क्रिएट पॉलीगॉन में आएंगे और अपना पॉलीगॉन क्रिएट करना शुरू करते हैं। पहले मैं सेंटर पॉइंट पर एक पॉलीगॉन वर्टेक्स ऐड कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं एक्स की को होल्ड करूँगा ग्रिड स्नैपिंग के लिए, और इस तरह मैं सीधी लाइन के लिए शिफ्ट की को होल्ड करूँगा। सीधी लाइन लग गई। अब मैं इसको ट्रेस करता हूँ। अगर आपको इमेज बैक से नज़र ना आए तो आप फोर क्लिक करके नमपैड वायर फ्रेम में भी जा सकते हैं और मैन्युअली यहाँ पर भी आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप वायर फ्रेम में आ जाएंगे और आप अपनी इमेज को देख सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। ये याद रखें कि आपको वर्टेक्स को बाद में जॉइंट भी करना है, उनको फेसेस में चेंज करना है, तो इसलिए उनके सामने वाले जो वर्टेक्स हैं उनकी अलाइनमेंट पर ही अपने नए वर्टेक्स को लगाएं। अगर आपने एंटर क्लिक किया या और कोई भी कमांड क्लिक की तो आप इस सारी सिलेक्शन से ये सारी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो ली हुई सिलेक्शन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, आपको दोबारा सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। इसलिए कहीं भी और क्लिक मत करें और किसी और फंक्शन को यूज़ ना करें। सिंपली इसको ड्रा करें लेफ़्ट माउस बटन से और पॉइंट्स ऐड करते हुए पूरी इमेज को ट्रेस करें। अब मैंने इसका हाफ पार्ट बना लिया है, मैं इसको ही डुप्लीकेट करके मिरर कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं एंटर क्लिक करूँगा तो मेरा पॉलीगॉन क्रिएट हो जाएगा। अब मैं पर्सपेक्टिव व्यू में आकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक पॉलीगॉन है और एक इमेज प्लेन है।
इमेज प्लेन को मैं मूव करके बैक पर ले जाता हूँ ताकि मुझे पॉलीगॉन अपना नज़र आए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका ब्लैक फेस जो है वो जी पॉजिटिव की तरफ है, तो मैं इसको फ्लिप नॉर्मल करता हूँ। मैश डिस्प्ले में आकर हम रिवर्स करेंगे तो इसका जो फेस है वो रिवर्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने ट्रेसिंग कर ली है और हमारी ट्रेसिंग काफ़ी अच्छी है। अगर हम नमपैड 3 की को प्रेस करें तो आप इसको स्मूथ व्यू में देख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके पॉइंट्स जो हैं वो राउंडेड नहीं हुए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की बाउंड्री है वो राउंडेड नहीं हुई। उसको राउंडेड करने के लिए आप एट्रीब्यूट एडिटर में आएँ और ऑब्जेक्ट की जो शेप लेयर है उसके अंदर आकर स्मूथ मैश में ओपन सबडिविजन कंट्रोल और इसमें आकर वर्टेक्स बाउंड्री जो है उसको आप शार्प एज पर कर दें तो आप इसकी राउंडनेस को देख सकते हैं। लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दरमियान फेसेस आ रहे हैं ब्लैक और ये अजीब सा ना शेडिंग आ रही है। इसको फिक्स करने के लिए हम इसमें एज कट्स ऐड करेंगे, यानी कि इसको क्वाड मॉडलिंग में चेंज करेंगे। ये सिर्फ एक फेस है एनगॉन का, मैं आपको फेस मोड में आकर दिखाता हूँ। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आप फेस वर्टेक्स एज और ऑब्जेक्ट मोड में और काफ़ी इसमें फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फेस में आता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास एक फेस है। तो मैं अगर नमपैड की 1 को क्लिक करूँ प्रेस करूँ तो आप इसके सॉलिड व्यू में आ सकते हैं। इस तरह सॉलिड व्यू में आकर मुझे अपने वर्टेक्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे वर्टेक्स कहाँ पर हैं और मैं इनको क्वाड में चेंज कर सकता हूँ। तो अब मैं ओपन करता हूँ अपनी मॉडलिंग टूल किट और उससे टूल लेता हूँ मल्टी कट टूल और कट्स लगाता हूँ अपने ऑब्जेक्ट में। अगर आपको वर्टेक्स नहीं नज़र आ रहे कि वर्टेक्स कहाँ पर हैं तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको वर्टेक्स मोड में भी कर सकते हैं और आप इजीली देख सकते हैं कि आपके वर्टेक्स कहाँ पर हैं। और जो भी हमने वर्टेक्स लगाए थे उनको मैं जॉइंट करता हूँ और क्वाड में चेंज करता हूँ। याद रखें कि क्वाड मॉडलिंग जो होती है उसमें हर एक क्वाड फेस के अंदर 4 एजेस, 4 पॉइंट वर्टेक्स और एक फेस होता है, यानी कि वो 4 एजेस जो होते हैं वो मिलकर एक फेस बनाते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो आप नई सिलेक्शन ले सकते हैं और पुरानी सिलेक्शन जो होगी आपकी ली हुई वो अप्लाई हो जाएगी। इसको आप फ्रंट व्यू में जाकर इजीली कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और इसको फास्टली अगर आप शिफ्ट क्लिक करेंगे तो आप एज के सेंटर पॉइंट पर अपना एज कट जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शिफ्ट क्लिक करता हूँ तो एज की जो नेक्स्ट एज जिस पे मैं अपना माउस लेके आऊँगा वो उसका सेंटर मुझे दे देगा, वहाँ पर मैं स्नैप करके अपना एज कट ऐड कर सकता हूँ। और आप वर्टेक्स को बाद में मैन्युअली सिलेक्ट करके मूव करके उनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो आप मुख्तलिफ एंगल में सीधा अपने कट को ऐड कर सकते हैं और एज लूप बना सकते हैं। हमने अब अपने जो एनगॉन था उसको टोटली ही क्वाड मॉडलिंग में चेंज कर लिया है। हमारे पास कोई ट्राइंगल, कोई एनगॉन नहीं है, तमाम के तमाम फेसेस जो हैं वो क्वाड मॉडलिंग में हैं। तो अब हम इसको करते हैं मिरर ताकि हम इसका दूसरा पार्ट भी बना सकें। तो मिरर करने से पहले मैं इसके जो सेंटर पॉइंट हैं, सेंटर एजेस, उनको सीधा कर लूँगा और जो मेरे बॉटम के एजेस हैं उनको मैं स्ट्रेट करूँगा। तो इनको स्ट्रेट करने के लिए मैं एजेस को सिलेक्ट करूँगा और स्केल टूल की शॉर्टकट की है R। आप इसको मैन्युअली टूल बॉक्स से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके एक्स एक्सिस में मैं इसको 0 करूँगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। इसी तरह मैं बॉटम के एजेस को सिलेक्ट करूँगा और वाई एक्सिस में स्केल करूँगा। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आकर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और मैश के अंदर आकर मिरर पे क्लिक करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने मिरर किया तो मेरा मैश जो है वो हाइड हो गया।
तो अब हम देखते हैं पॉली मिरर की सेटिंग्स को। यहाँ पर कट जियोमेट्री है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सिस पोजीशन उसने वर्ड बताया है, हम वर्ड एक्सिस में ही करते हैं इसको मिरर। और इसके साथ हम एक्स में इसको सिमेट्री देना चाहते हैं तो ये एक्स में ही है इसकी सेटिंग। और नीचे आएँ तो बॉर्डर मर्ज बॉर्डर्स पर, और यहाँ पर मैं इसका जो मर्ज थ्रेशल्ड है इसको मैं करता हूँ 0.1, क्योंकि इसको आपको बहुत ही कम रखना है, नहीं तो ये आपके जो उसके क्लोज आ रहे हैं सेंटर में पॉइंट्स उनको भी मर्ज कर देगा और आपकी जियोमेट्री ख़राब होगी। अब ये अप्लाई हो गया है इस पर। मैं अगर चैनल बॉक्स में आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी इनपुट हिस्ट्रीज हैं। इनको रिमूव करने के लिए आप इस बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं और एडिट में जाकर डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री भी कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है आर्ट शिफ्ट डी। तो हम ज़्यादातर शॉर्टकट की को ही यूज़ करेंगे, आर्ट शिफ्ट डी। यहाँ से हमने हिस्ट्री रिमूव कर दी, आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्लीन हो गया, उसकी इनपुट्स जो थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब हम इसमें करते हैं थिकनेस ऐड। मैं इमेज आपको दोबारा दिखा दूँ, आप देख सकते हैं इसमें कितनी थिकनेस ऐड है और ये कितना बेवल और राउंडेड है। ऐड करते हैं इसमें थिकनेस। थिकनेस के लिए मैं करूँगा एक्सट्रूड, यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करूँगा, या मैं करूँगा कंट्रोल ई, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और करूँगा कंट्रोल ई। यहाँ पर मेरा पॉली एक्सट्रूड फेसेस एक्टिवेट हो गया, उसकी सेटिंग आ गई है। मैं यहाँ पर थिकनेस को बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं थिकनेस कम हो रही है। अगर आपकी थिकनेस बड़े यूनिट्स में कम और ज़्यादा हो रही है तो आप यहाँ पर ये ब्लू सर्कल पर क्लिक करेंगे तो ये है स्पीड लिमिट, और स्पीड इसको आप कुछ भी कह सकते हैं भी, ये स्लो और फास्ट करता है वैल्यू को। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखें टाइम जैसा इस पर क्लॉक बना हुआ है, तो ये बहुत ही कम जब नज़र आएगा इसमें ब्लू एरिया, बहुत ही शॉर्ट टाइम होगा। तो आप इसको छोटे यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं और ये जितना ही फिल होगा आप इसको उतने ही बड़े यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। तो मैं इसको छोटा यूनिट्स में करता हूँ और थिकनेस को करता हूँ कम। वैल्यू में भी आप एंटर करके वैल्यू को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके एजेस को सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एज पर डबल क्लिक करता हूँ तो वह एज लूप को सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर एजेस को सिलेक्ट करता जाऊँ तो वो आगे जाकर स्टॉप हो जाता है। आप देख सकते हैं वो एन गॉन पर, यानी कि एन गॉन तो नहीं है, वो क्वाड ही है, लेकिन वो स्टॉप हो जाता है। तो हम इसके लिए फास्ट तरीका क्या अपना सकते हैं, तो फास्ट तरीका ये है कि मैं इसकी जो बाउंड्री सेंटर फेसेस हैं उनको मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं एक फेस पर क्लिक करूँगा और उसके साथ ही जो फेस है उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो उस पूरे लूप को सिलेक्ट कर लेगा। अब ये लूप सिलेक्ट हो गया, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एज सिलेक्शन में। तो एज सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और राइट क्लिक ड्रैग करूँगा तो मेरे पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें मैं टू एजेस पर जाऊँगा और यहाँ से करूँगा टू एज पैरामीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने सेंटर वाले एजेस को ख़त्म कर दिया फेस के और बाउंड्री को सिलेक्ट कर लिया। तो ये सबसे फास्ट तरीका है, आप ज़्यादातर टेक्निक्स के साथ ही काम किया करें तो इस तरह प्रोफेशनल भी होगा और ज़्यादा फास्ट भी आपका काम होगा। अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं एजेस पर बेवलनेस। तो बेवलनेस के लिए मैं इस ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकता हूँ और शॉर्टकट की यूज़ करूँगा कंट्रोल बी। यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बेवल हो गया है और मैं इसमें ऐड करता हूँ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स मैं ऐड करता हूँ 4 और इसकी फ्रैक्शन को मैं कम और ज़्यादा करके देखता हूँ कि कहाँ पर मेरी फ्रैक्शन जो है वो एडजस्ट होगी, कितनी बेवलनेस मुझे चाहिए। अब जो इसके अंदर है फेसेस उन पर मैं स्टॉप करने के लिए यहाँ पर एज लूप ऐड करूँगा, तो एज लूप ऐड करने के लिए मल्टी कट टूल एक्टिवेट करेंगे और अगर आप कंट्रोल की को होल्ड करेंगे तो आप इसमें एज लूप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टॉप लगा देता हूँ। अब मैं अगर 3 प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरी जो जियोमेट्री है
उसमें यहाँ पर शार्प कट सेंटर में आएगा और जो है कॉर्नर वो बेवल्स कर दिए गए हैं। हमारी चेयर की बैक साइड बहुत ही कूल लग रही है। अब यहाँ पर बॉटम पर हम इसको करेंगे बॉटम पर शार्प। तो शार्प करने के लिए मैं करूँगा इसको, इसमें ऐड करूँगा एज लूप। लेकिन एज लूप ऐड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवा दूँ इमेज के अंदर, कि इमेज में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर नीचे फुल शार्प राउंड एज है और हमारा एज यहाँ से है बेवल। तो इसको हम करते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट करने के लिए मैं फेसेस को सिलेक्ट करूँगा, बॉटम के जितने भी हैं उनको मैं जाऊँगा फ्रंट व्यू में, और फ्रंट व्यू में जाकर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा फेसेस को, बॉटम के फेसेस को। कंट्रोल शिफ्ट की को होल्ड करेंगे तो आप सिलेक्शन को प्लस कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की को होल्ड करेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो टुगल होगी। अब मैंने सिलेक्शन ले ली है और इसको मैं स्केल करता हूँ वाई एक्सिस में। आप देख सकते हैं वाई एक्सिस में मैंने स्केल किया तो वो स्ट्रेट हो गए। अब मैं इनको मूव करता हूँ और स्नैप करता हूँ ग्रिड पर, ताकि ये इसकी जो पोजीशन और शेप थी वो चेंज ना हो। ये स्नैप हो गए। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ एज लूप। अगर हम इसको स्मूथ करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शार्प एज बन गया, लेकिन कॉर्नर पर अभी भी राउंडनेस है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं इसके अंदर भी एज लूप ऐड करूँगा। उसके लिए मैं इनर के जो फेसेस हैं बॉटम के उनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन लेते वक्त बहुत ही केयरफुली सिलेक्शन लिया करें। इस तरह अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा फेसेस सेलेक्ट हो जाएं तो आपकी जियोमेट्री और मैश जो है वो ख़राब हो सकता है। ये मैंने फेसेस सेलेक्ट कर लिए और अब मैं इनको करता हूँ एक्सट्रूड। कंट्रोल ई क्लिक करता हूँ और करता हूँ मैं इनको ऑफसेट। ऑफसेट में करूँगा लिटल बिट, ताकि नीचे जो शार्प है, जितना आपका एज लूप कॉर्नर के एज लूप के करीब होगा उतना ही वो ज़्यादा शार्प करेगा, और जितना दूर होगा उतनी ही उसमें बेवलनेस ज़्यादा होगी। अब मैं इसको स्मूथ व्यू में देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल शार्प हमारा जो एज है वो शार्प नज़र आ रहा है। हमारी बैक सीट कंप्लीट हो गई है। अब हमें इमेज की कोई ज़रूरत नहीं, इमेज को आप डिलीट कर सकते हैं और कंट्रोल एच क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। अब बनाते हैं इसकी सीट। सीट के लिए यहाँ पर मैं लेके आऊँगा सिलेंडर, और सिलेंडर के मैं सब डिवीजन एक्सिस जो हैं इसके इनपुट में जाकर सब डिवीजन एक्सिस को करूँगा 16 और कैप को करूँगा 0। अब मैं इसको वाई एक्सिस में स्केल करके सीट की थिकनेस बना लेता हूँ और इसको मूव करता हूँ आगे वाई एक्सिस में और स्केल करता हूँ। याद रखें कि सीट जो है वो हमारी मैच होनी चाहिए हमारी बैक साइड की एजेस पर। तो हम सिलेंडर का जो रेडियस है उसको रखेंगे इसकी बाउंड्री के मुताबिक, अपनी जो बैक हमने बनाई है सीट की उसकी बाउंड्री के मुताबिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिलेंडर का रेडियस जो है हमारा वो छोटा है। अब इसको सेंटर पॉइंट में ले आते हैं। मैं यहाँ पर इसको स्केल करता हूँ और ये चीज़ इसका रेडियस मैंने सेट कर लिया है। अब मैं इसको मूव करता हूँ इधर, और अब मैं इसके फेस डिलीट करूँगा टॉप और बॉटम के, और जो एक्स्ट्रा ये हैं हाफ़ सिलेंडर के जो फेसेस हैं उनको मैं डिलीट करूँगा। मैंने दूसरी साइड पर एक फेस सेलेक्ट किया और दूसरी साइड पर आकर मैं कंट्रोल शिफ्ट डबल क्लिक करूँगा फेस पर, तो वो वहाँ तक का लूप सेलेक्ट कर लेगा और कंप्लीट जो लूप है उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। अब मैं डिलीट के बटन को क्लिक करूँगा और फेसेस को कर दूँगा डिलीट। इसी तरह मैं इन्हीं एजेस से अपने फेसेस क्रिएट करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा यहाँ से।
और साइड व्यू में आकर मैं इसके फेसेस को जो है अपनी बैक सीट का जो एज है उनके साथ स्नैप कर दूंगा। तो इसको स्नैप करने के लिए मैं पहले वायर फ्रेम में आता हूं, फोर क्लिक करता हूं और मैं क्लिक करूंगा वी। वी की को अगर आप होल्ड करेंगे तो आप वर्टेक्स स्नैपिंग कर सकते हैं और मैन्युअली यहां से भी आप ऑन कर सकते हैं इसको। मूव करूंगा मैं एक एक्सिस में और स्नैप करूंगा वर्टेक्स पर। अब ये स्नैप हो गया। अब मैं इनके दरमियान बनाता हूँ फेस ब्रिज्ड। ब्रिज्ड बनाने के लिए आप मॉडलिंग टूल किट में भी आकर यहाँ पर ब्रिज्ड पर क्लिक कर सकते हैं और सिंपली अगर आप शिफ्ट राइट क्लिक करें तो आपके लिए मॉडलिंग सेटिंग्स कुछ ओपन हो जाएंगी। इसके अंदर भी आप ब्रिज्ड पर क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने ब्रिज्ड बना दिया, इसमें मैं एक डिवीजन ऐड कर देता हूँ सेंटर पॉइंट के लिए। अब सीट को जो है प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए इसमें जो सेटिंग्स हैं और बॉटम और टॉप का फेस फिल करने के लिए मैं इसको सोलो करूंगा, यानी कि मैं अपनी ये जो बैक सीट है इसको हाइड करूंगा। तो सोलो के लिए मैं कंट्रोल नमपैड वन की को भी यूज़ कर सकता हूं और सिंपली यहां पर व्यू में आइकॉन है माउस का तीर का निशान आइसोलेट सिलेक्टेड, इसको मैं आइसोलेट कर सकता हूँ। अब मैं इसका वाई में जो है स्केल उसको कम करता हूँ और थिकनेस देखता हूँ। अब मैं इसमें टॉप के फेस को और बॉटम के फेस को फिल करता हूँ। तो इनको फिल करने के लिए मैं एस मोड में आऊँगा, टॉप के फेस को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ से मैं करूँगा फिल होल। इसको आप फिल होल कर सकते हैं, एक एनगोन बना सकते हैं और पॉलीगोन भी हो सकता है फिल होल। अब क्योंकि ये बन गया एनगोन तो इसको अब हम करते हैं चेंज क्वाड में। इसके लिए मैं मल्टी कट टूल को एक्टिवेट करूंगा और पॉइंट्स पर सेलेक्ट करके पॉइंट टू पॉइंट इनको जॉइंट करूंगा। इसी तरह अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो आप उसको यहां से सिमेट्री भी उसकी ऑन कर सकते हैं एक्स एक्सिस में। आप देख सकते हैं मेरी सिमेट्री ऑन हो गई और अब मैं इसको सिमेट्रिकल भी यूज़ कर सकता हूँ। ये मैंने अपने एनकॉन्स को चेंज कर लिया क्वाड में। अब मैं इसकी राउंडनेस को और इसकी थिकनेस को एडजस्ट करता हूँ। पहले मैं इसकी हिस्ट्री को रिमूव कर लूँगा और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँगा। तो हिस्ट्री रिमूव यहाँ से होगी और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ से। मूव टूल को एक्टिव करता हूँ और मैं अपना जो सीट के पिवट है उसको मैं मूव करता हूँ टॉप फेसेस पर। डी को क्लिक करूँगा, एक्टिवेट करूँगा एडिट पिवट और वी क्लिक करके स्नैप कर दूँगा टॉप एजेस पर और यहाँ फेसेस पर। इनको मैं मूव करता हूँ और अटैच करता हूँ अपनी सीट के साथ, बैक सीट के साथ। और अब यहाँ से ही मैं इसको थिकनेस इसकी चेंज कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर इमेज में देखें तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस लगेगी, थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड है ये नीचे वाली जो सीट है वो बैक सीट से ज़्यादा मोटी है। अब ऐड करते हैं इसमें राउंडनेस। राउंडनेस के लिए मैं फिर से बाउंड्री एजेस को सिलेक्ट करूंगा और शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इनको करूंगा बेवल कंट्रोल बी और इनको मैं बेवल करूंगा चैम्फर ऑफ करके। मैं ऐड करता हूँ बैक पर एज यहाँ पर और ऑब्जेक्ट मोड में आकर मैं इसको स्मूथ प्रीव्यू में देखता हूँ। तो मेरी सीट जो है वो भी कंप्लीट हो गई है।
राउंड नेक्स बहुत ही कूल लग रही है। दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ग्रिड के ऊपर ले आता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही कूल लग रहा है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो गए हैं। इनकी मैं हिस्ट्री और इनकी फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस करता हूँ। अब बनाते हैं अपनी सीट के लेग्स। तो लेग्स के लिए हम सिलेंडर को चूज़ करेंगे, सिलेंडर शेप को, और सिलेंडर को करते हैं आइसोलेट। इसी तरह इसको स्केल करते हैं, इसका रेडियस चेंज करते हैं और इसके एक्सिस सब डिवीजन को मैं करता हूँ कम और इनको करता हूँ मैं 12। अब इसका जो बॉटम एज लूप है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और करूँगा बेवल। आप देख सकते हैं कि सीट का जो लेग है वो नीचे से फुल राउंडेड कैप्सूल शेप का है, तो मैं इसको राउंडेड करता हूँ और ऐड करता हूँ इसमें सेगमेंट्स। अब मैं इसमें एज लूप ऐड करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं स्मूथ करूँ तो ये स्मूथनेस कहाँ तक जा रही है। इसमें अगर मैं यहाँ पर एज लूप ऐड कर दूँ थोड़ा करीब करके तो आप देख सकते हैं वो यहाँ से स्ट्रेट रहेगा और सिर्फ उसकी जो राउंडनेस है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। इसी तरह टॉप को जो है हम बेवल कर लेते हैं। टॉप पर मैं चैम्फर को ऑफ करूँगा और फ्रैक्शन को कम करूँगा। हमारा लेग जो है चेयर का वो कंप्लीट हो गया है। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और डिलीट हिस्ट्री करते हैं। अब मैं इसकी स्केलिंग करूँगा, लेकिन स्केलिंग से पहले मैं इसका जो पिवट पॉइंट है वो लेके आऊँगा सेंटर में टॉप पर। तो डी को प्रेस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एडिट पिवट और इसको स्नैप करता हूँ मैं इस वर्टेक्स पर। स्नैप करने के लिए शिफ्ट की को मैं होल्ड करूँगा तो ये सिर्फ उसकी पोजीशन को चेंज करेगा, रोटेशन को चेंज नहीं करेगा। हमने स्नैप कर लिया, अब मैं इसको स्नैप करता हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं वायर फ्रेम ऑन शेडेड, सॉरी वायर फ्रेम ऑन शेडेड पर आऊँ जिसकी शॉर्टकट की है Alt-5 और इसको मैं स्नैप करूँ या इस वर्टेक्स पर। अगर मैं V की को होल्ड करूँगा तो वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन हो जाएगी और मिडल माउस बटन ड्रैग करूँगा व्यू में तो मैं इसको स्नैप कर सकता हूँ इस वर्टेक्स पर। मैं चेंज करता हूँ इसका रेडियस, उसके लिए मैं इसको स्केल डाउन करूँगा थोड़ा सा और इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए मैं इसके बॉटम फेसेस को सिलेक्ट करूँगा और मूव करूँगा, क्योंकि अगर आप वाई एक्सिस में स्केल करेंगे तो आपके नीचे वाली जो शेप है कैप्सूल शेप वो ख़राब हो जाएगी। ये मैंने इसकी स्केलिंग को एडजस्ट कर लिया। अब मैं तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और मूव कर लेता हूँ ग्रिड के ऊपर। अब इसको मैं रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस में 10 डिग्रीज। ये पीछे चला गया, मुझे चाहिए आगे 10 डिग्रीज, तो मैं इसको -10 कर लेता हूँ और मुझे चाहिए जी एक्सिस में 10 डिग्री इस तरफ। अब ये मेरा करेक्ट लेग जो है वो करेक्ट पोजीशन और रोटेशन पर है। आप देख सकते हैं चेयर की इमेज के अंदर यहाँ पर बॉटम में जॉइंट्स उन्होंने लगाए हुए हैं सपोर्ट के लिए, तो हम इनको भी बनाते हैं। ये भी सिलेंड्रिकली शेप के हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर लेके आऊँगा सिलेंडर और अगर मैं करूँ इसको हाइड और सिलेंडर को करूँ स्नैप इस पॉइंट पर और आउटलाइन में आकर मैं करता हूँ अपने लेग को ऑन। यहाँ पर सिलेंडर की एडजस्टमेंट करता हूँ, स्केल करूँगा और इसके जो एक्सिस सब डिवीजन हैं उनको मैं 16 कर लूँगा
और कैप को कर लूँगा 0। ये कैप बन गया एन गॉन। अब मैं इसको लाता हूँ थोड़ा सा, पहले इसको स्केल कर लेते हैं, ये आई थिंक गुड है। और अब मैं इसको करूँगा एक्सट्रूड डाउन मूव टूल के साथ और स्केल टूल के साथ इसको करूँगा, इसके एज में ऐड करता हूँ एंगल और एक्सट्रूड करता हूँ इनर में। अगर आप स्केल टूल के सेंटर में आकर शिफ्ट की को होल्ड करके एक्सट्रूड करेंगे तो आप एक्सट्रूड ऑफसेट या आप इसको एक्सट्रूड इनर भी कह सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब मूव करता हूँ मैं इनर में एक्सट्रूड और यहाँ तक। अब मैं फिर इनर में एक दफ़ा एक्सट्रूड कर लूँगा। अब इनके एजेस को सिलेक्ट करूँगा और करता हूँ बेवल। टॉप के सिलेक्ट एजेस को भी सिलेक्ट कर लें, फोर क्लिक करके वायर फ्रेम में आकर आप एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर एन गॉन है और एन गॉन की जो एजेस होते हैं वो सिलेक्ट नहीं होते डबल क्लिक के साथ। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ मार्क यू सिलेक्शन से इसकी सिलेक्शन लूँगा और जो रेडियल एजेस सिलेक्ट हो गए हैं रिंग एज लूप सिलेक्शंस कहते हैं, वो सिलेक्ट हो गए हैं, उनको मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल की को होल्ड करूँगा और एक एज पर क्लिक करने के बाद उससे अगले एज पर ही डबल क्लिक करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा पूरा रिंग। ये लूप होते हैं और इस तरह से ली गई सिलेक्शन रिंग होती है। अब मैंने एजेस को सिलेक्ट कर लिया, इनको मैं बेवल करता हूँ कंट्रोल बी, चैम्फर को करता हूँ ऑफ और थिकनेस फ्रैक्शन को करता हूँ। अब मैं मॉडलिंग मोड में आकर इनकी हिस्ट्री को रिमूव करता हूँ और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस करता हूँ और करूँगा इसको स्मूथ। तो आप देख सकते हैं ये भी किस तरह से कूल लग रहा है और हमारा एक लेग जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको हम मिरर करते हैं दूसरी साइड पर। तो मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और इनकी हिस्ट्री और जो है फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर करूँगा मिरर से पहले। अब मैश में आता हूँ और मिरर करता हूँ, कट जियोमेट्री को ऑफ़ कर लें और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिरर हो गए। इसी तरह मैं इनकी हिस्ट्री को दोबारा रिमूव करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमने मिरर कर लिया है, हिस्ट्री रिमूव करना ज़रूरी है। अब मैं इसको मिरर करता हूँ जी एक्सिस में। अब पीछे वाले लेग्स को डुप्लीकेट करने के लिए मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को करूँगा कंबाइन। यहाँ पर कंबाइन का आइकॉन है शेल्फ में और आप सिंपली मैश में आकर इनको कंबाइन भी कर सकते हैं और मॉडलिंग टूल किट में भी आपको कंबाइन मिल जाएगा। कंबाइन करते हैं और इनकी हिस्ट्री को करते हैं रिमूव। अब मैं दोबारा इनको मिरर करता हूँ और इस दफ़ा मैं एक्सिस को करूँगा जी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं वो वर्ल्ड जी में काफ़ी दूर चले गए हैं सीट की पोजीशन से, तो मैं इनको ऑफसेट कर लूँगा यहाँ से। अब मैन्युअली मैं इसके फेसेस में जाकर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा डबल क्लिक करके। आप पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और मैं मिरर करूँगा, सिमेट्री ऑन करूँगा वर्ल्ड एक्स पर और इनको मैं मूव करूंगा एक्स में। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉटम के हैं लेग्स वो कॉर्नर पर हैं। हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसकी यूवीज अनरैपिंग। यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि इंस्टाग्राम पर आप अपने प्रोजेक्ट्स और जो भी आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखकर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और पोस्ट तैयार करते हैं उसको आप इंस्टा पे अपलोड करें और हैशटैग लगाएं दर्शन आर्टिफैक्ट्स। इंस्टा का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यूवीज अनरैपिंग के लिए मैं वर्क स्पेस को करता हूँ यूवी एडिटिंग पर स्विच और यहाँ पर मैं हर एक ऑब्जेक्ट की अलग से यूवीज करूँगा। तो पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं बैक सीट को। यहाँ पर टूल सेटिंग्स को मैं कर लेता हूँ क्लोज टैब और यूवीज टूल किट को कर लेता हूँ ओपन।
अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और आइसोलेट करूं, तो मैं इसकी इजीली अनरैपिंग कर सकता हूं। यहां पर मैं यूवीज टूलकिट में आकर क्रिएट में आकर कैमरा बेस्ड करूंगा, तो ये कैमरा बेस पर मेरी अनरैपिंग कर देगा। इस तरह से हम अपनी अनरैपिंग को जो है रीसेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सेंटर में इसका एज लूप सेलेक्ट करूँगा और कट एंड स्यू में आकर कट कर दूँगा, यानी कि यहाँ पर मैंने यूवी कट ऐड कर दिया है, इसको सेम भी बोलते हैं। और यहाँ पर मैं यूवीज में आकर यूवीज शेल में और इनको करूँगा अनफोल्ड टैब में अनफोल्ड। आप देख सकते हैं मेरी यूवीज जो है वो अनफोल्ड हो गई है। अगर आप यहां से चेकर बॉक्स को और इमेज को ऑन करेंगे तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी यूवीज स्ट्रेच तो नहीं हो रही और कैसी लग रही है। अगर आप यहां से स्ट्रेचनेस को ऑन करेंगे, सॉरी ये वाले आइकॉन पर क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं जहां पर रेड एरिया है वहां पर यूवीज स्ट्रेच हो रही है, जहां पर ब्लू एरिया है वहाँ पर भी यूवीज स्ट्रेच हो रही है, जहाँ पर वाइट कलर होगा वहाँ पर यूवीज करेक्ट होगी और ठीक पिक्सल्स में होगी। लेकिन इसको चेक करने का तरीका है कि आप इसको जो है सॉलिड व्यू में आ जाएं, यानी कि वन क्लिक करके, और इसकी स्मूथनेस को कर लें ऑफ। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली वाइट नज़र आ रहा है। तो हमारी यूवीज जो है वो करेक्ट हो गई है। मैं इस फंक्शन को करता हूँ ऑफ और अब मैं करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन लेआउट में आकर। ये मैंने अलाइन कर लिया अपनी यूवीज कैनवस में। अब मैं आता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और इसको स्मूथ कर लेता हूँ और आइसोलेट करता हूँ सीट को। अब सीट को भी हम सेम पैटर्न के साथ कैमरा बेस पर क्लिक करेंगे और इसको सिंपली इसमें एज लूप्स ऐड करेंगे, कट्स, और कट मैं ऐड करता हूँ इस एज लूप से इस एज लूप तक। उसने बॉटम के एजेस को डिटेक्ट कर लिया, तो मैं होल जो है अपना एज लूप उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और बॉटम से जो है इसकी सिलेक्शन को माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कट और एक कट मैं ऐड करूँगा यहाँ पर। अब मैं अगर अपने शेल को अनफोल्ड करूँ तो आप देख सकते हैं मेरी यूवीज जो है वो एक्यूरेटली अनफोल्ड हो गई है और अनरैप हो गई है। इसको मैं लेआउट कर देता हूँ कैनवस के अंदर और ओरिएंट शेल से आप इसको ओरिएंट भी दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक और कट ऐड करना चाहता हूँ ताकि मेरा यूवी शेल जो है वो छोटा हो जाए। ये एक यूवी शेल बहुत बड़ा हो गया है और ये कैनवस में काफ़ी शेल्स के लिए ख़राबी पैदा कर सकता है। तो अब मैंने इनको कर दिया है लेआउट और आप अपनी यूवीज़ को देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी है लग रही। अगर आप यहाँ पर यूवीज चेकर में आए स्ट्रेचनेस में तो आपका फुल ऑब्जेक्ट जो है वो वाइट नज़र आ रहा है। अब हम अनरैपिंग करते हैं अपने लेग्स की। तो लेग्स हमारे पास फोर हैं जो कि सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इनकी अनरैपिंग करके दिखाता हूँ कि आप कैसे टेक्निक के साथ एक लेग की अनरैपिंग करेंगे और बाकी पर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ और सिंपली सब ऑब्जेक्ट्स को करता हूँ कैमरा बेस्ड। यूवी चेकर को ऑफ कर लेता हूँ ताकि व्यू में तंगी ना हो और यहाँ पर मैं एक एग लेग को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके शेल को ले आता हूँ साइड पर। इसके मैं टॉप एज पर एक एज कट ऐड करूँगा और बॉटम पर ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं कट्स ऐड करता हूँ और इसी तरह मैं इसके बैक व्यू में जो है एज लूप सिलेंडर का उसको सेलेक्ट करता हूं और उसको कट ऐड करता हूं। मैं एक एज को सेलेक्ट करूंगा इधर से 3D व्यू में और अपने यूवीज कैनवस में आकर मैं सिलेक्शन पर डबल क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ सिलेक्शन लेगा उसी शेल के अंदर। अगर मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो दूसरे शेल्स में भी सिलेक्शन लेगा। इसी तरह
आप इसमें कट ऐड करें और इन शेल्स को सिलेक्ट करके अनफोल्ड कर लें। यह अब आपकी अनरैपिंग हो गई लेग की। अब करते हैं इसके जॉइंट की। तो जॉइंट को भी मैं इसी तरह साइड पर ले आता हूँ और कट्स ऐड करता हूँ इसके रेडियस में, और सिलेंड्रिकली शेप और जो प्लेनर शेप हैं उनको मैं डिफाइन करता हूँ और अलग करता हूँ दूसरी शेप से। इसी तरह मैं इसके बॉटम के एज लूप्स को सिलेक्ट करूँगा ताकि मैं सिलेंडर की अनरैपिंग कर सकूँ। जो सिलेंड्रिकली शेप होती हैं उनको अनरैप करने का ये तरीका होता है कि आप उसमें कट ऐड करें और वो सिंपली आपको स्ट्रेट रिबन में अनरैपिंग कर देंगे। इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, अनफोल्ड करता हूँ और ओरिएंट करके लेआउट करता हूँ। अब मैं इनको मूव करके साइड पर ले आता हूँ ताकि मैं अपनी यूवीज़ को चेक कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरी यूवीज़ अमेजिंग लग रही हैं, आप देख सकते हैं लेग की भी ज़बरदस्त है। अगर मैं स्ट्रेचनेस में आकर अपनी यूवीज़ को देखूँ और स्मूथ प्रीव्यू से बाहर आकर देखूँ अपने ऑब्जेक्ट्स में, तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली हो गई है अनरैप। अब इनको कॉपी कैसे करना है? तो अगर मैं यहाँ पर जो मैंने जिस लेग की अनरैपिंग कर ली है उसके एजेस को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर मैं इसके तमाम एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इजीली और ट्रिकी तरीके से इसकी अनरैपिंग कर सकते हैं दूसरे लेग्स में। यहाँ पर मैंने सिलेक्शन ले ली कंप्लीट एज लूप की जिनकी मैंने अनरैपिंग की है इस तरह, और अब मैं यहाँ पर आऊँगा सिमेट्री में और ऑब्जेक्ट सिमेट्री एक्स को ऑन करूँगा, सॉरी वर्ल्ड सिमेट्री एक्स को ऑन करूँगा। तो आप देख सकते हैं उसने दूसरे ऑब्जेक्ट की जो है सिलेक्शन ले ली, और अब मैं कर दूँगा सिंपली कट पर क्लिक। यहाँ पर उसने दूसरे ऑब्जेक्ट में भी कट ऐड कर दिए, और अगर मैं यहाँ से करूँ सिमेट्री वर्ल्ड जी, तो आप देख सकते हैं हमने बैक के जो लेग्स थे उनको मूव कर दिया था साइड पर, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर सकता कि बैक पर जो फेसेस हैं जी एक्सिस में वो सिमेट्रिकल हैं या नहीं हैं, वो कौन से एजेस को सिलेक्ट करेगा। इसलिए हम बैक का एक लेग की जो अनरैपिंग है उसको भी सेम पैटर्न के साथ अनरैप कर लेंगे और दूसरी तरफ मिरर कर लेंगे इसी तरीके से। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट में भी कट्स ऐड कर दिए। अब मैं यूवीज शेल में आकर इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं शेल्स को और अनफोल्ड कर दूं, ओरिएंट करूं और लेआउट करूं, तो आप देख सकते हैं इसकी भी अनरैपिंग उसी तरीके के साथ हो गई। अब मैं बैक की जल्दी से कर लेता हूं। अब मैं इन शेल्स को भी सेलेक्ट करूंगा और अनफोल्ड कर दूंगा, ओरिएंट करूंगा, लेआउट करूंगा। इसी तरह इनको मूव टूल के साथ साइड पर ले आऊंगा और इनके एजेस जो हैं बाउंड्री एजेस उनको सेलेक्ट करूंगा, और अगेन वैसे ही सिमेट्री टेक्निक के साथ मैं दूसरे लेग की भी अनरैपिंग कर लूंगा। अब मैंने सिलेक्शन ले ली है और इसको मैं करता हूं वर्ल्ड एक्स और ऐड करता हूं कट। अब मैं यूवीज शेल में आकर सिमेट्री को ऑफ करके आपने शेल्स को अनफोल्ड करना है, अनफोल्ड कर लूँगा, ओरिएंट करूँगा और लेआउट कर लूँगा। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम थे तो इनकी यूवी शेल भी जो हैं वो भी सेम होने चाहिए, यानी कि हम एक लेग पर पेंटिंग करें या उस पर टेक्सचर अप्लाई करें तो वो बाकी चार लेग्स पर भी ऑटोमेटिकली टेक्सचर और पेंटिंग पेस्ट कर दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फीचर को यूज़ करूँगा, तमाम शेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और लेआउट जो बटन है फीचर, इस पर मैं शिफ्ट क्लिक करके लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करूँगा डबल क्लिक। अब यहाँ पर लेआउट यूवीज की जो है सेटिंग वो खुल गई है। यहाँ पर मैं स्टैक सिमिलर पर क्लिक करूँगा, ये अब जो सिमिलर होंगे एक दूसरे के साथ उनको स्टैक कर देगा यानी कि जोड़ देगा।
और यहाँ पर मैं शेल पैडिंग करूँगा 10 और टाइल पैडिंग करूँगा 10, यानी कि यह बाउंड्री कैनवस की जो बाउंड्री है उससे भी 10 पिक्सल्स के डिस्टेंस पर शेल्स को रखे और आपस में भी ये 10 पिक्सल्स का फ़र्क रखे शेल्स के अंदर। अब मैं करता हूँ यहाँ पर अप्लाई और आप देख सकते हैं कि उसने स्ट्रैक कर दिए मेरे शेल्स, और बहुत ही कम शेल्स हैं, और जितने कम शेल्स होंगे और जितने बड़े स्केल के होंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन आपके ऑब्जेक्ट पर आएगी। तो हमने स्ट्रैक कर दिया चारों लेग्स की यूवी शेल्स को, तो अब हमारी जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ गई और चारों लेग्स पर आ गई। इसको हम कर देते हैं क्लोज। मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी जो अनरैपिंग है वो सही हुई भी है या नहीं। यहाँ पर हमने जो शेल्स को स्ट्रैक किया है लेआउट में, इसने काफ़ी जो मिलते जुलते शेल्स थे उनको एक ही जगह पर स्ट्रैक कर दिया, तो हमने उनको डिफरेंट करना है। यानी कि यहाँ पर आप रिंग देखें तो वो उसने जो बॉटम के थे वो भी स्ट्रैक कर दिए और जो साइडों वाले थे शेल्स उनको भी स्ट्रैक कर दिया। तो इनको फिक्स करते हैं। पहले मैं इनको लेआउट कर लूँगा सिंपल कैनवस में। अब मैंने इनको एक्सपेंड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह के हैं, दो स्केल के शेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमें इन शेल्स को जो है वो एक तरफ स्ट्रैक करना है और इन शेल्स को आपस में। अब यहाँ पर जो बाकी के शेल्स हैं मैं उनको भी इसी तरह अलग कर देता हूँ दूसरे शेल्स से। ये हमने कर ली अपनी यूवी फिक्स। अब मैं तमाम ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करता हूँ। हमने तमाम ऑब्जेक्ट्स की अनरैपिंग कर ली है। अब मैं वापस आता हूँ मॉडलिंग स्टैंडर्ड मोड में और अप्लाई करता हूँ इन पर मटेरियल्स, लेकिन उससे पहले मैं कर लूँगा रिमूव हिस्ट्री और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस। ऐड करता हूँ वुड का मटेरियल। अगर आप राइट क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पर और असाइन न्यू मटेरियल करेंगे और हम आएंगे आर्नल्ड, क्योंकि हम आर्नल्ड रेंडरिंग करते हैं तो आर्नल्ड में एआई स्टैंडर्ड सरफेस को यूज़ करेंगे। इसमें आकर मैं एआई स्टैंडर्ड सरफेस में आता हूँ, यहाँ पर अपने मटेरियल को रीनेम करता हूँ और इसका जो बेस कलर वेट है उसको मैं फुल करता हूँ और यहाँ पर बेस कलर में ऐड करता हूँ टेक्सचर। जो होगा आपका बेस कलर उसका कलर स्पेस जो है वो आपने sRGB रहने देना है और कलर बैलेंस में अल्फा इज ल्यूमिनेंस को ऑन नहीं करना। और जब आप रफनेस को और मेटलनेस और जो है जियोमेट्री में बम्प और नॉर्मल मैप्स हैं उनको करेंगे यूज़, तो आप कुछ इस तरह से उनकी सेटिंग्स करेंगे। मैं आपको पहले टेक्सचर का लिंक दे देता हूँ। टेक्सचर का लिंक दे दिया मैंने टेक्सचर के अंदर, और यहाँ पर मैं इसकी कलर स्पेस को करूँगा रा में और अल्फा इज ल्यूमिनेंस को करूँगा ऑन। ये दो चीज़ें आपने ज़रूर करनी है मेटलनेस के मैप में, रफनेस के मैप में और जियोमेट्री में बम्प और नॉर्मल के मैप में। टेक्सचर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। अब मैंने रफनेस और कलर को ऐड कर दिया है। मैं इसकी जो स्पेकुलैरिटी की कैपेसिटी है वेट है उसको मैं करता हूँ 0.5, क्योंकि इसको हम ज़रा कार्टूनिक लुक देना चाहते हैं, तो कार्टूनिक में जो है अपना स्पेकुलैरिटी वो कम होती है, उसकी ओपेसिटी जो है वो कम रखी जाती है। यहाँ पर टेक्सचर को व्यू पोर्ट में देखने के लिए मैं 6 को क्लिक करूँगा नम पैड से। आप सिंपली इसको यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं व्यू पोर्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्सचर जो है हमारा अप्लाई हो गया है, लेकिन वो स्ट्रेच हो रहा है सेंटर पॉइंट में, जैसे यहाँ पर स्ट्रेच हो रहा हो, तो इसकी यूवीज सही नहीं हुई। तो हम इसको करेक्ट करते हैं, दोबारा यूवीज मोड में जाएंगे और चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है।
जब भी आपकी यूवी स्ट्रेच हो या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसके शेल को और डिवाइड कर दें, यानी कि यहाँ पर मेरे पास शेल्स हैं दो, मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ और कर देता हूँ तीन शेल्स में कन्वर्ट। तो ये जो सीम था इसको मैं ख़त्म करता हूँ। सीम को ख़त्म करने के लिए मैं उसके एजेस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सुई कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर न्यू कट्स ऐड करता हूँ और कट लगाऊंगा मैं एक यहाँ पर और ये दो स्किप करके इस कट पर इनको मैं कट ऐड कर देता हूँ। और अब सेलेक्ट करूँगा मैं यूवी शेल और करूँगा अनफोल्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन शेल्स बन गए। इसको भी मैं कट करके सिंपलर कर देता हूँ ताकि इस पर भी जो टेक्सचर है वो अच्छे से अप्लाई हो जाए। इसको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कट और अनफोल्ड। अब मैं इनको ओरिएंट और लेआउट कर दूंगा। इनको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्सचर है वो अच्छे से अप्लाई हो गया है और उसमें कोई स्ट्रेचनेस नहीं आ रही। टेक्सचर को हम थोड़ा सा टाइलेबल कर लेते हैं ताकि वो और ज़रा कूल लगे। टाइलेबल करने के लिए मैं यहाँ पर हाइपर शेडर में आऊँगा, हाइपर शेडर नेटवर्क, और इसमें मैं अपना जो वुड का मटेरियल है उस पर राइट क्लिक करके ग्राफ नेटवर्क करूँगा। इसमें मेरे जितने भी लिंक्स, यूटिलिटीज़ हैं और टेक्सचर्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक यूवी जो है यूवी यूटिलिटी उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक को ही यूज़ करते हुए दूसरे टेक्सचर के साथ लिंक कर देता हूँ। अब मैं इसमें जो चेंजिंग करूँगा वो दोनों टेक्सचर्स में चेंजिंग उसकी होगी। अब मैं साइड पर आपको ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट व्यू में टेक्सचर, और इधर दिखाता हूँ इसको रिपीट करके। तो अगर हम टेक्सचर की यूवीज़ को सिलेक्ट करें, यूटिलिटीज़ को, और उसमें रिपीट यूवी पर करें हम अमाउंट 2 और 2, 2 बाई 2, तो ये टेक्सचर का स्केल बड़ा कर देगी। इसी तरह आप नीचे रोटेशन में टेक्सचर को रोटेट कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। इसको आप ऑफसेट भी कर सकते हैं, 5 to 1.3 ये चीज़, और ऑफसेट करके मैं इसको और कूल कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं ये सेंटर जो हमारा शेल था वो डिफरेंट वेरिएशन क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम रोटेट कर देते हैं अपनी यूवीज में अगेन आकर। इसको मैं इन यूवीज शेल को सिलेक्ट करूंगा और इनको मैं रोटेट कर देता हूं 90 पर। अगर आप जे की को होल्ड करेंगे तो आप स्नैप कर पाएंगे 15 डिग्री पर। इनको मैंने रोटेट कर दिया तो अब ये कम वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये शेल, इसको मैं मूव कर देता हूँ और इसी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट में ये चीज़। अब आपकी यूवीज क्लीन लग रही है। इसी मटेरियल को मैं अप्लाई करता हूँ लेग्स पर, राइट क्लिक करूँगा सेलेक्ट करके और असाइन एग्जिस्ट मटेरियल वुड। अब ये अप्लाई हो गया है, इस पर भी इसको स्मूथ प्रीव्यू में ले आते हैं। और इसका जो नीचे वाले पार्ट्स हैं कुछ फेसेस, उनको मैं अप्लाई करूँगा वाइट मटेरियल। तो इनको मैं सेलेक्ट करूँगा और फेस मोड में आकर मैं सेलेक्ट करूँगा बॉटम के फेसेस को। तो यहाँ पर मैं बॉटम के ये रिंग्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पर एक फीचर को यूज़ करते हुए हम इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। ये मैंने नीचे वाले सेलेक्ट कर लिए उसके लूप्स, फेस लूप्स, और मैं अब शिफ्ट क्लिक करके ग्रेटर देन वाले बटन जो हैं कॉमास, उनको मैं यूज़ करते हुए सिलेक्शन को ग्रो कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ तक ग्रो कर लिया और राइट क्लिक करूँगा और असाइन न्यू मटेरियल, यहाँ पर फिर आर्नल्ड AI स्टैंडर्ड सरफेस, और इसको रीनेम करता हूँ वाइट, एंड इसका जो वेट है उसको 1% कर देता हूँ
और यहाँ से मैं इसकी रफनेस को करता हूँ 0.35 और पेस्टी कर देता हूँ 0.5। ये मटेरियल ऐड हो गया हमारा इसमें भी। अब यही मटेरियल हम सीट में भी ऐड कर देते हैं, एग्जिस्ट वाइट मटेरियल। अब हम ऐड करते हैं सीट के अंदर फुर, लेकिन उससे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट्स को रीनेम कर लें प्रॉपर नेमिंग के साथ और उनका ग्रुप बना लें कंट्रोल जी के साथ। और अब मैं सीट को सिलेक्ट करता हूं और एक्सटेंड की टैब में आकर, अगर आप पॉलीगॉन मॉडलिंग शेल्फ में हैं तो आप एक्सटेंड में आ जाएं और यहां पर क्रिएट हेयर एंड फुर पर क्लिक करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और नोट करवा दूं कि आपने इसको स्केल करना है चेयर को। इसको मैं स्केल डाउन करता हूं ताकि इस पर जो भी रेंडरिंग इफ़ेक्ट, लाइटिंग इफ़ेक्ट और फुर की स्केलिंग जो होगी वो प्रॉपर डिमेंशन के साथ हो। तो मैं इसको स्केल कर लेता हूं यहां पर 1x1 के ग्रिड बॉक्स में और इसको मूव कर लेता हूं ग्रिड के ऊपर फ्रंट व्यू में आकर यहां पर। और अब मैं ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा और अगर चैनल बॉक्स में देखें तो इसकी फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन अभी रहती हैं। तो सारे ऑब्जेक्ट्स की फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन ख़ास तौर पर ग्रुप की और जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ज़रूर कर लें। अगर ये आप नहीं करेंगे तो जब आप फुर लगाने के बाद, फुर ऐड करने के बाद करेंगे तो वो फुर कहीं और चला जाएगा और आपका सारा मॉडल जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं सीट को सिलेक्ट करता हूँ और एक्सचेंज में आकर शेल्फ में और क्रिएट करता हूँ फुर। यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं आप अपने डिस्क्रिप्शन नेम को और क्रिएट करते हैं फुर। ये विंडो ओपन होगी एक्सचेंज इंटरैक्टिव ग्रूमिंग एडिटर। इसमें मेरे पास 3 मॉडिफायर ऑलरेडी ऐड हैं, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इनकी सेटिंग्स को चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं डेंसिटी करता हूँ 200 और स्केल में आता हूँ। स्केल में आकर मैं करूँगा इसका स्केल 0.1 मैंने स्केल कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर अपने आउटलाइनर में सीट फुर को सिलेक्ट करूँ और इसकी शेप में आऊँ तो मुझे इसकी विड्थ जो है फुर की वो नज़र आएगी। तो इसको मैं चेंज करता हूँ 0.003 पर। ये फुर की थिकनेस है कि वो फुर कितना मोटा होगा। और यहाँ पर मैं टेपर को ऑन करता हूँ ताकि फुर की जो है बारीकी बन जाए कॉर्नर से एंड पॉइंट पर। और टेपर स्टार्टर को मैं कर देता हूँ 0.300 के करीब। मैं फुर की जो डेंसिटी है उसको बढ़ाता हूँ और ज़्यादा। इसमें मैं फुर बेस में आऊँगा और डेंसिटी मल्टीप्लायर को मैं कर देता हूँ 1000 पर, क्योंकि वो फुर बहुत ही कम था। तो यहाँ पर मैं आउटलाइनर को ऑफ कर लेता हूँ और अब मैं अपने फुर को जो है इसकी शेप को स्कॉप्ट करता हूँ। यहाँ पर कम टूल आपको नज़र आएगा एक्सचेंज विंडो में। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ इनेबल। इसका जो रेडियस है उसको आप बी की को अगर होल्ड करेंगे और मिडल माउस बटन ड्रैग करेंगे तो आप इसका रेडियस चेंज कर सकते हैं। मैं अब तमाम फुर को जो है इसकी शेप बनाता हूँ, स्कॉप्ट करता हूँ। हमारी हेयर स्कॉप्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ऐड करते हैं इसमें नॉइस मॉडिफायर। तो यहाँ से मैं मॉडिफायर्स को ऐड कर सकता हूँ। अगर आप क्लम्प करना चाहते हैं हेयर्स को तो क्लम्प कर सकते हैं और कर्ल भी ऐड कर सकते हैं इनमें नॉइस। तो मैं यहाँ से करता हूँ नॉइस को ऐड और ऐड करता हूँ मैं नॉइस। अब नॉइस मेरी ऐड हो गई है और ये बहुत ज़्यादा है, इसको मैं कम करता हूँ यहाँ से और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 0.18 के करीब। और फ्रीक्वेंसी मैं करता हूँ थोड़ी ज़्यादा 1.4, ये राइट है। हमारे हेयर्स जो है वो फुर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस पर हम ऐड करते हैं मटेरियल।
तो मैं यहाँ से आउटलाइनर से फोर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और व्यू पोर्ट में राइट क्लिक करके साइन न्यू मटेरियल कर दूँगा। यहाँ पर भी हम आर्नल्ड का शेडर जो है वो यूज़ करेंगे, AI स्टैंडर्ड हेयर शेडर। इसको मैं अप्लाई करता हूँ और रीनेम करता हूँ सीट फोर से, और इसमें मैं कलर को थोड़ा सा ग्रेश करता हूँ और रफनेस को करता हूँ मैं 0.2, और डिफ्यूज़ में आकर मैं डिफ्यूज़ की वैल्यू को बढ़ाता हूँ और कर देता हूँ 0.97। इसका कलर भी मैं वाइट ही रहने दूँगा और ये हमारा मटेरियल हो गया अप्लाई। अब बनाते हैं स्टूडियो। तो स्टूडियो के लिए मैं इन टैब्स को, एक्स्ट्रा टैब्स को ऑफ़ कर देता हूँ, क्लोज टैब। और यहाँ पर मेरी मॉडलिंग टूल किट है, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, चैनल बॉक्स। और यहाँ पर आता हूँ मैं आर्नल्ड में। लाइट्स ऐड करने से पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगा फ्लोर, स्टूडियो फ्लोर। तो इसका, इसमें मैं एक प्लेन ऐड करूँगा, उसका स्केल बड़ा करूँगा, और इसमें मैं ऐड करूँगा डिफॉर्मर, नॉन लीनियर पेन डिफॉर्मर। इसका कर्वेचर यहाँ से मैं बढ़ाऊँगा। अगर आप किसी भी वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और व्यू पॉड में मिडल माउस बटन ड्रैग करेंगे तो आप उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं व्यू पॉड में। और इसको मैं रोटेट करता हूँ अपने प्लेन की ट्रैक्शन में। अगर मैं जे की को होल्ड करूँगा और स्नैपिंग होगी तो मैं इनको प्रॉपर 90 डिग्री पर स्नैप कर सकता हूँ, और इस तरह मेरा जो डिफॉर्मर है वो अप्लाई हो जाएगा प्लेन पर। अब यहाँ से मैं डिफॉर्मर को सिलेक्ट करूँगा और अगर मैं टी की को प्रेस करूँ तो यहाँ पर इसका मैनिपुलेटर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इसका, इसे डिफॉर्मर का जो अगला हिस्सा है उसको मैं ऑफ़ कर दूँगा, क्योंकि आगे से हमें जो अपना स्टूडियो है वो प्लेन चाहिए। और यहाँ से मैं बैंड बढ़ा दूँगा। इसी तरह मैं बैंड डिफॉर्मर को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ ताकि प्रोडक्ट में कर्व ना आए, और यहाँ पर मैं इसको स्लाइड करके इसका स्केल बड़ा कर देता हूँ। हमारा स्टूडियो फ्लोर रेडी है। सिंपली 3 प्रेस करते हैं और इसको स्मूथ कर देते हैं, और Alt Shift D के साथ हिस्ट्री रिमूव और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस। स्टूडियो प्लेन रेडी। इस पर मटेरियल ऐड करते हैं, साइन न्यू मटेरियल, शेडर और AI स्टैंडर्ड शेडर। इसको रीनेम करता हूँ फ्लोर MTL, और वेट इसका फुल करते हैं, और इसका कलर चेंज करते हैं वैल्यू 21.19 और 0.859। कलर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और टेक्सचर्स भी। अब ऐड करते हैं इसमें लाइट, लेकिन उससे पहले फ्लोर का जो शेडर है उसमें मैं स्पेकुलैरिटी का वेट जो है उसको 0 कर दूंगा, क्योंकि हमें इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। और फ्लोर को लेके आता हूँ मैं थोड़ा सा आगे, और अब ऐड करते हैं इसमें लाइट्स। तो पहले मैं लाइट ऐड करता हूँ आर्नल्ड एरिया लाइट, और इसका साइज़ बड़ा करते हैं इतना। अब इसको मैं मूव करता हूँ साइड पर और रोटेट करता हूँ और स्केल करता हूँ जी एक्सिस में, ताकि इसकी जो फ्रंट पे लाइन है वो बड़ी हो जाए, उसकी लेंथ बढ़ जाए और मुझे अपने ऑब्जेक्ट का और लाइट की डायरेक्शन का टारगेट पता चल जाए। तो इसको मैं फ्रीली रोटेट करूँगा तो वो लाइन मुझे बता देगी कि लाइट का जो टारगेट है वो किस डायरेक्शन में है। यहाँ पर करते हैं इस लाइट को ऐड, और अब मैं इसी लाइट को करता हूँ डुप्लीकेट और मूव करता हूँ दूसरी डायरेक्शन में, लेकिन इस लाइट का जो टारगेट है उसको मैं रखूँगा बैकग्राउंड पर, क्योंकि ये हमारी बैकग्राउंड लाइट है जो बैकग्राउंड को ग्लो करेगी। और इसके बाद मैं डुप्लीकेट करूँगा फिल लाइट। इसका स्केल डाउन कर लेते हैं, मैं इसका स्केल डाउन कर लेता हूँ और ज़्यादा। और अब मैं डुप्लीकेट करता हूँ इसको
इसकी रोटेशन को कर देता हूँ ज़ीरो, फिर रोटेट करता हूँ फुल 90 पर और बना देता हूँ एक फिल लाइट जो कि टॉप से पूरे सीन को फिल करेगी। एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो और जी डायरेक्शन में ज़ीरो ताकि ये सेंटर हो जाए, और फिल लाइट का हम स्केल कर देते हैं बड़ा। अब हम चेयर की पोजीशन को चेंज करते हैं ताकि ये व्यू पोर्ट में अच्छी लगे, और कैमरा बनाते हैं। उसके बाद कैमरे को एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैं सीट को रोटेट कर देता हूँ 40 डिग्री पर, और यहाँ पर ऐड करते हैं पैनल्स में पर्सपेक्टिव में आए हैं। तो यहाँ पर आप न्यू पर क्लिक करके भी न्यू कैमरा क्रिएट कर सकते हैं, और सिंपली क्रिएट में जाकर क्रिएट न्यू कैमरा, और कैमरा में एंटर होने के लिए आप पर्सपेक्टिव में जाकर जो कैमरे में आप एंटर होना चाहते हैं, जिसको एक्टिव करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करें। कैमरे को मैं पहले रीनेम कर लेता हूँ रेंडर कैम, और लाइट्स को भी इसके साथ ही मैं रीनेम कर लेता हूँ। ये है मेरी की लाइट और ये है बैकग्राउंड लाइट और ये है फिल लाइट। अब कैमरा की एडजस्टमेंट करते हैं, तो कैमरा को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ से मैं ऑन करता हूँ रेजोल्यूशन गेट। इससे आपकी जो भी फ्रेम साइज़ होगा वो एक्टिव हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि जब आप इमेज को रेंडर करेंगे फाइनल इमेज को तो वो कैसी दिखेगी। नेगेटिव 3 इसको कर देते हैं जूम, इसकी फोकल लेंथ को मैं बढ़ाता हूँ और कर देता हूँ 55। अब चेक करते हैं रेंडरिंग व्यू में, तो आर्नल्ड रेंडर व्यू को एक्टिव कर लें, ऑन कर लें, और यहाँ पर प्ले बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी रेंडरिंग व्यू जो है वो नज़र आ जाएगा, और यहाँ पर 1:1 पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो एक्टिव रेशो में है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर रेंडर सेटिंग्स ओपन करता हूँ, रेंडर सेटिंग्स को पहले मैं रीसेट कर लूँगा। यहाँ पर हम पहले रेंडर सेटिंग्स को रीसेट कर लेंगे, प्रीसेट्स में आकर इंपोर्ट रेंडर सेटिंग्स और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। यहाँ पर मैं आर्नल्ड में आऊँगा और रे डेप्थ में आकर डिफ्यूज़ और स्पेकुलर को कर दूँगा 2। इससे क्या होगा, जो भी आपकी लाइट्स हैं सीन में वो बाउंस होंगी एक दूसरे के साथ, और आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नज़र आएगा। इसको GI भी कहते हैं, ग्लोबल इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पर मैं A सैंपल कर देता हूँ 4, और अब करते हैं हम अपनी लाइट्स की सेटिंग्स। यहाँ पर रेंडर कैमरा और लाइट्स की सेटिंग्स करते हैं। लाइट्स को पहले मैं की लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, और की लाइट को मैं एट्रीब्यूट एडिटर में जाकर की लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ और कर देता हूँ 10। इसी तरह इसका स्प्रेड जो है उसकी वैल्यू को मैं करता हूँ 0.7, और सॉफ्ट एजेस को कर देता हूँ 0.25, सैंपल्स को कर दूँगा 2, और इसी के साथ इसकी सेटिंग्स कंप्लीट। और अब चलते हैं बैकग्राउंड लाइट, बैकग्राउंड लाइट जो है उसकी हम वैल्यू करेंगे 5, एक्सपोजर जो है उसको करेंगे 5, और स्प्रेड जो है उसको करेंगे हम 0.2, और यहाँ पर इसके सैंपल्स को भी हम करेंगे 2। सैंपल्स क्या होते हैं, सैंपल्स होते हैं रेंडरिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें मैं कास्ट शेडो को ऑफ कर दूंगा, और क्योंकि ये लाइट सिर्फ बैकग्राउंड पर वर्क करेगी इसलिए मैं इस लाइट को अपने मॉडल पर ऑफ कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर विंडोज़ में रिलेशनशिप एडिटर में आकर लाइट लिंक में लाइट सेंट्रिक में आऊँ और ये विंडो ओपन हो जाएगी रिलेशनशिप एडिटर की, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लाइट को सिलेक्ट करता हूँ और इधर से सिर्फ फ्लोर को छोड़कर
बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को अनचेक कर दूंगा, अनसेलेक्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, सिर्फ जो बैकग्राउंड की लाइट है वो सिर्फ फ्लोर पर ही काम करेगी और किसी ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करेगी। फिल लाइट की सेटिंग्स करते हैं। फिल लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर उसके भी सैम्पल्स को करता हूँ 2 और एक्सपोज़र को कर देता हूँ मैं 8.5, स्प्रेड को कर देता हूँ 1 और इसकी सेटिंग्स भी ओके हैं। हमारी रेंडरिंग ग्रेट लग रही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमारी जो बैकग्राउंड की लाइट है वो फुर पर अभी भी काम कर रही है। वो कैसे काम कर रही है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपने पर्सपेक्टिव कैमरा में आऊँ और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड की लाइट को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर इसको करूँ लाइट फिल्टर्स में ऐड और ब्लॉकर को करूँ ऐड, यहाँ पर ब्लॉकर पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो उसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी और इसकी डेंसिटी को मैं बढ़ाकर फुल कर देता हूँ 1 बार। और यहाँ पर मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है क्यूब का, ये डिमेंशन है जिसके अंदर लाइट वर्क नहीं करती। तो यहाँ पर अगर मैं लाइट मोड को ऑन करूँ तो आप लाइट को देख सकते हैं, और इस क्यूब में, इस क्यूब के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ 4 को, यानी कि इस बाउंडिंग बॉक्स को मैं बना देता हूँ 4 की बाउंडिंग बॉक्स, तब लाइट जो है वो इस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इस पर काम नहीं करेगी। पर्सपेक्टिव व्यू और इसको कर देते हैं जी में वाई एक्सिस में स्केल डाउन इस तरह। व्यूपोर्ट में भी आप रेंडरिंग को प्ले कर सकते हैं। आर्नल्ड रेंडरिंग को यहाँ पर रेंडरर में आएं और आर्नल्ड पर क्लिक करें और यहाँ से प्ले कर लें। ये रेंडरिंग प्ले हो गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइट है रिम लाइट वो काम नहीं कर रही। तो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को मूव करूँ तो आप देख सकते हैं जितना एरिया बॉक्स के अंदर आ रहा है उस पर लाइट वर्क नहीं कर रही और जितना बाहर है उस पर लाइट वर्क कर रही है। तो ब्लॉकर इसलिए यूज़ होते हैं। रेंडरिंग व्यू में आता हूँ और दोबारा रेंडर टेस्ट को प्ले करता हूँ। यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड पर जो ग्लोनेस है वो बहुत कम है, तो मैं बैकग्राउंड लाइट की जो इंटेंसिटी है स्प्रेड और इंटेंसिटी उसको बढ़ाता हूँ। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 2 और कर देता हूँ 3। इस वैल्यू को करते हैं 2 और स्प्रेड को कर देते हैं 0.15। अब बैकग्राउंड पर जो वैल्यू है लाइट की वो ज़्यादा ग्लो हो रही है और हमारा ग्रेडियंट टाइप बैकग्राउंड लग रहा है। 4 भी कूल लग रहा है और बाकी प्रोडक्ट स्टूडियो लाइटिंग सब ओके है। तो अब हम करते हैं इसकी फाइनल रेंडर। फाइनल रेंडर के लिए हम पहले रेंडर सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर कॉमन सेटिंग्स में पहले नेम देंगे किड्स चेयर और मर्ज AOVs। यहाँ पर मैं करूँगा इसको नेम स्लैश हैश और इसकी पैडिंग 1 और फ्रेम कर देते हैं 1:1, क्योंकि हमने एक फ्रेम ही रेंडर करना है इमेज के लिए। और यहाँ पर कर देते हैं साइज़ 1080। आर्नर रेंडर में आते हैं, 4 इज़ द बेस्ट और बाकी सेटिंग्स को हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। AOVs में आकर डिनॉइसर में हम आउटपुट डिनॉइसिंग AOVs को इनेबल करते हैं आर्नल्ड डिनॉइसर का। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। फाइनल रेंडर करने के लिए मैं व्यूपोर्ट में स्पेस बार को प्रेस करूँगा और रेंडर टैब में आकर रेंडर सीक्वेंस में इसके ऑप्शंस को इनेबल करूँगा। यहाँ पर मैं पहले करंट कैमरा को रेंडर कैम पर सेट करूँगा और यहाँ से डायरेक्टरी दूँगा अपने इमेज सेव की और रेंडर सीक्वेंस, क्योंकि हमने वहाँ पर स्टार्ट और एंड फ्रेम पर 1:1 लिखा था तो ये सिर्फ एक फ्रेम ही रेंडर करेगा। हमारी इमेज रेंडर हो गई है। रेंडर व्यू में जो हमें इमेज नज़र आ रही है वो हमारा रिजल्ट नहीं है, लेकिन आपने इस बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना, क्योंकि आपकी जो बैकग्राउंड पे इमेज सेव हुई है वो एक्यूरेट है, वो वैसे ही है जैसी आपने रेंडरिंग व्यू में देखी थी।
तो अब हम अपनी इमेज पर लगाते हैं डिनोइसर। आर्नल्ड की टैब में यूटिलिटीज़ में आर्नल्ड डिनोइसर, यहाँ पर मैं इमेज का लिंक दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आपने सेव करनी है और जिस नेम से करनी है आप उसको एडिट कर सकते हैं। और सिंगल फ्रेम है तो सिंगल फ्रेम, इन सेटिंग्स को आप कॉपी कर लें और डिनोइस। हमारी इमेजेस रेंडर हो गई हैं, मैं आपको दोनों इमेजेस दिखाता हूँ कि विदाउट डिनोइस कैसी है और विद डिनोइसर कैसी है। यहाँ पर मैं आपको अगर शेडो में दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कितनी क्लीन है इमेज हमारी डिनोइस वाली, और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर नॉइस वाली इमेज तो आप इसको भी देख सकते हैं कि ये कितनी नॉइसी है। तो हमारी फाइनल रेंडर कंप्लीट हो गई है, आप रिजल्ट्स देख सकते हैं इमेज का। जैसा कि आपने देखा, हमने पूरे ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखा और एंड पर हमने इतनी आउटस्टैंडिंग इमेज एक्सपोर्ट की माया से। तो आप भी इस ट्यूटोरियल को कॉपी करते हुए अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें और सेम ए टू जेड इसी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। अगर आपको किसी जगह पर प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकते हैं और वहां से हम आपको गाइड करेंगे और आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे आपकी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो हमारा होगा वो होगा 3D इलस्ट्रेशन का, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें।